बॉक्स गिरने वाला, जल्दी जल्दी यार, कितना लेट करवा देते हो। चलो क्या है, ये बॉक्स लाया हूँ चिड़िया के लिए। ये अब्दुलरहमान के पास फालतू पड़े थे, कहता है ले जो लगा दो। अच्छा किया, और आपका इंतजार हो रहा था। क्यों? वो बदखों के घर को रंग नहीं करना। हाँ वो तो करना है, जल्दी पहले है ना? पहले ये लगा देना। नहीं पहले उधर चलते हैं। अच्छा जल्दी से आ जाओ, फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार तो हमने ना हमारी डक हो उसको कलर करना था, और इसने उस जगह की सफाई भी अच्छे से कर दी है। अब ये कह रहा है कि उसको पहले कलर करते हैं, और वाकई उसको पहले कलर कर देना चाहिए। अभी डक्स को बाहर निकालेंगे, कलर अच्छे से हो जाएगा। वही मतलब चूना ऐसे उसको लगा देना ना, वो बिल्कुल वाइट कलर का अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जैन चूना तो पानी से उतर जाता है भाई। उतरेगा, वो जो दूसरी साइड पे जितने भी तुमने दरख्तों की जड़ों में किया था, आज मैंने उनको पानी लगाया है ना, वहाँ से थोड़ा थोड़ा उतरना शुरू हो गया। पानी नहीं लगाएंगे, पानी नहीं लगाएंगे तो ऐसे क्या, झाड़ू से रोजाना धोया करेंगे, उसको धोना भी होता है। पहले एक ट्राई कर लेते हैं दोस्तों, अगर तो हमारा ये फार्मूला काम अच्छा आ जाता तो ठीक है, वरना हमारे पास पेंट का ऑप्शन भी अभी पड़ा हुआ है। क्योंकि हो सकता है इसी मंथ हमने ये सारे केजेस उस तरह वाले दीवारों को सबको पेंट तो करवाना था, तो हम साथ में उनको भी करवा देंगे। क्या हुआ है? ओहो, जैन बंद करो मोटर, पूरा भर गया। हाँ शुक्र है देख लिया इसने, वरना ये सारा पानी तो बाहर आ जाना था। दोस्तों हम इसकी बात कर रहे थे, इस घर की। क्या हुआ है रोज? क्या ओए बाहर, ओए बंद हो गया है तुम्हारा इलाज है भाई, तुम क्यों गए हो वहाँ पर? रोज से इतने डरते हो, रोज तुमसे लड़ाई नहीं करने के लिए आती, ये तो ऐसे ही आती है। जैन छोड़ दो, इसका डर तो खत्म हो ना, ये क्या बात हुई। अच्छा ठीक है यार, आ जाओ, नहीं डराओ इसको। देखो रोज अपने घर में जा रही हो, ऐसे ही डर रहे। इनको तो देखें, मैं तो इनसे इतना ज्यादा तंग हूं ना, अभी फीमेल भी ऐसे पर फैला के आ जाती है। पहले ये वो वाला मेल था, शुएब अख्तर था, अब दोनों इससे लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं। अल्फा ऐसे जरा सा भी पर दिखाए ना, तुमने बिला झिझक उनको पड़ जाना है, मैं तुम्हारे साथ दूंगा भाई। दिन ब दिन हमें भी पढ़ना शुरू हो गए, अब अल्फा चिली की बीमारी आ गई है। वो तो एक दूसरे के साथ खेलते हैं ना भाई, वो देखो खेल रहे हैं, अपने आप से एक दूसरे से खेलते हैं। लेकिन मेल को ये बर्दाश्त नहीं है कि इस फीमेल के पास कोई हमारी रोज कुछ भी आ जाए। जो ऐसे तो भागेंगे ना, डर रहे हैं ना, लेकिन बाद में तुम्हें सेट करेंगे। आराम से जाओ ना, ऐसे भागो नहीं। किधर है? अभी मैं अभी भागता हूँ पीछे, रुक जाओ। पाँव स्लिप हो गया, बचत हो गई है, वरना यकीन करे मैं टाइलों पे लगता ना भाई, हड्डियाँ टूट जानी थी। तो जैन ने यहाँ पर अंडे भी निकाल के रख दिए हैं, घर बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। उसको भी हमने कलर करना है, इसको भी करना है, और ये वाली फीमेल अंडों का इंतजार कर रही है क्योंकि ये कुड़ुक खो चुकी है। भाई ले आओ जल्दी से। ओए क्या कर रही हो, उसको कलर छोड़ दो भाई, जो करना है वो करते हैं काम। हो रहा है अभी मिक्स हुआ है ना, देखो करेंगे तो अभी देखना। ये यहाँ से ऐसे किया और यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। ओए ओए ये तो ये पता क्या हुआ है दोस्तों, मैंने इसके अंदर पानी ज्यादा मिक्स कर दिया है, कम पड़ा हुआ था, मैंने कहा और पानी मिक्स करती है ताकि ज्यादा कलर हो जाए। अब क्या होगा, अब मैं बताता हूँ क्या होगा। कलर बिल्कुल ठीक है, कल जब हम देखेंगे तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। अभी हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमने पौधों की जड़ों में किया था, सारे दरख्त तो ऐसे लग नहीं रहे थे, लेकिन जब सुबह हमने देखा तो इनकी जड़ें देखें कितनी वाइट कलर की हो चुकी थी। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं भाई, मैंने ये ब्यूटीफुल नहीं किया, ये अभी फर्स्ट कोट हुआ है। जब सेकंड कोट होगा ये और ज्यादा वाइट हो जाएगा दोस्तों, ऐसे ऐसे ये वाइट होगा एकदम से, बहुत प्यारा वाला। और यार ये बाहर नहीं निकल रही, मैं इसको निकालने को, इधर आओ ना, वो देखें अंदर ही चली गई है। एक दफा बाहर आ जाओ, कलर लग जाएगा, बुरी लगोगी, ब्लैक ब्लैक, ओ देखें फिर से वहां जा रही है। जैन हाँ सोनी इसको निकालो, इसको फिलहाल ऐसे कलर तो नहीं करना ना, वो बाहर नहीं आ रही, वो समझती है कि उसके अंडे इधर पड़े हुए हैं। आराम से मुझे दो, मेरी बात सुनो, बात सुन लो, 5-10 मिनट वेट करो, फिर हम इसको कलर अच्छे से करते हैं, अंडे रखते हैं, सारा कुछ रखते हैं। मैंने आपकी बात सुननी भाई, रखो, पेंट सारा कंप्लीट हो चुका है, अभी घास उठाते हैं और इसको रखते हैं वहां पर। ओए ये क्या कर दिया, अपने आप को पेंट कर रहा हूं। देन इधर आओ, बात सुनो, किधर जा रहे हो, जल्दी आओ। और ये देखो इसने क्या कर दिया अपने साथ, मुझे ये देखे सारा लगा हुआ था, मेरे मुंह पे तो नहीं लगा, देखो नहीं साफ है, बस ये शर्ट पे लगा है। और बस करो ना, और क्यों लगा रहे हो, खराब कर रहे हो अपने हाथ। अरे मुझे पता ही मिट जाएगा, मिट तो जाएगा, कपड़े सारे खराब कर दिए, इसको रखो, हमारा ये काम सारा कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी जल्दी ये घास रखनी है दोस्तों, हम यहाँ पर डक्स के अंडे घास पे रखेंगे और उनको जल्दी जल्दी बिठाएंगे कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये देखे दोस्तों घास हमने रख दिया, बहुत अच्छा लग रहा है यार, कलर भी बहुत अच्छा आया है। इधर रुको मैं एक मिनट, ये देखो ना इसने अपना हाल क्या किया, ओ
पता लग रहा है। और इब्राहिम को भी कर दो ये वाला कलर। ऐसे करने कलर जैसे ये कलर हुआ है आपको भी कलर करूं? ओए नहीं यार बुरे लगोगे अजीब से लगोगे। चलो छोड़ो भाई हमने ये रख दिया अभी जल्दी से वो अंडे उठा के लाओ ताकि इधर रखे और उनको बिठाएं। भाई आप दूसरा कोड करो ना आराम से मैं अंडे लेके आता हूँ। ले आओ भाई ये क्या कर दिया है? ओ भाई दिमाग ठीक है तुम्हारा? भाई मेरे से अंडे टूट गए गलती से। आगे सांस रहे अंडे खुद जानबूझ के फेंक दिए भाई मेरे से खुद नहीं मैंने खुद नहीं तोड़े इसमें तो सारे बचे ये अंडे तो हमारे हैं ही नहीं। नहीं भाई हमारे अंडे हैं। हमारे मतलब ये इंडक्स के नहीं है अपने अपने वाले हैं। भाई उधर कहाँ जा रहे हो? कहाँ से लाए हो मुझे ये बताओ ये तो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। अंडे मैं शॉप से लेके आया हूँ। खैरियत है भाई वो उधर फेंकने लगे थे मैंने जाके ले लिए मैंने कहा भाई से थोड़ा सा प्रैंक करूँ। अगर होते ना ये वाले अंडे अच्छा कसम से आज तुम्हारी सख्ती थी। ऐसे ये नहीं कि बस मैं तुम्हें छोड़ देता मोबाइल ऐसे ऑन है तो मैं तुम्हें छोड़ देता बिल्कुल तुम्हारी बात। तुमने अभी फेंके हैं ना जी पक्की बात है कंफर्म है वो देख रहा था अभी वो ये सारे अंडे उठा के फेंकेगा तुम्हारी सख्ती है। भाई मैंने तो आपके साथ प्रैंक किया है अभी तुम्हारे साथ होगा प्रैंक मुझे ये काम खत्म करने दो ना इनको आदत पड़ गई ना अंडे खाने की फिर भी तुम्हारी बचत नहीं है। देखो भाई अंडे भी खराब थे। अंडे खराब थे जो भी था ऐसे हरकत वो उसने देखा है ना। इब्राहिम आपने कुछ देखा है? आपने देखा है कुछ? वो नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। ये तो बात की बात है मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसे एकदम से डरा दिया भाई गुस्सा तो ना पूरे साल के बाद उन्होंने अंडे दिए हैं और अभी अंडे टूट गए। इंसानों से गलती होती रहती है कोई बात नहीं। अभी ये गलती थोड़ी सी देर तक मैं करूंगा ये मुझे जरा सारा काम कर लेने दो। तो ये रहे बाकी वाले अंडे अब बता खुद अपनी सेटिंग कर लेगी। मुंह धो लिया? अच्छा साफ हो गया दिखाओ सर इधर ये भी सही है ये बाथरूम साफ हो गया। ठीक है ठीक है इसका मतलब हमारा कलर उतर जाएगा घास उठा लिया है सिर्फ ये अंडे रह गए हैं। ये जैन की गलती थी जैन है किधर है? इधर है कबूतरों के साथ। बात सुनो पकड़ के लो उसने हमारे साथ प्रैंक किया है हमारा भी हक बनता है। ओए तुमने हाथ गंदे तो नहीं कर दिए? जैन जल्दी से बाहर आना जल्दी आओ जल्दी अभी मजा आएगा। बात सुनो बाहर आ जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो ये हमने भी तुम्हारे साथ एक प्रैंक किया है ऐसे होते हैं प्रैंक। इधर इधर निकालो इसे बाहर आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। निकलो भाई निकलो निकलो। ये अच्छा वाला आपका प्रैंक है। तुम्हारा ज्यादा बुरे वाला था उसमें हमें हार्ट अटैक होने वाला था इसका क्या है ये तो अभी मुंह धो लेगा तो साफ सुथरा हो जाएगा। आज के बाद नहीं इस तरह के मजाक करो भाई अंडे खराब थे ना मैंने कहा चलो थोड़ा सा मजाक किया जाए भाई के साथ। तो ये भी तो उतर जाएगा ना क्यों जी कलर उतरा है कि नहीं उतरा है ना उतरा है भाई नहीं मुंह के ऊपर लगाए ना दमा भाई आप कर दो आप खुश हो जाए पूरा मुंह भी होगा इधर देखो सर शेविंग क्रीम लगा रहा हूँ पूरे मुंह के ऊपर लगाए भाई जैसे मेरा लगाए ये नहीं नहीं बस बस भाई आप सजा इसको मिल गई है। स्काउट जल्दी 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 आ जाओ भाई। स्काउट को ऐसी आदत है ना कि रोजाना स्काउट एक दफा तो घर चक्कर लगाता है भाई ये रहता नहीं है जो ही हम इसे बाहर निकालते हैं मेरे पीछे पीछे ये देखें कैसे आ रहा है। इधर क्या बैठे कर रही हो भाई? वो कल हमारी दूसरी से रह गई थी वो मरी पड़ी है। किधर है ये तो सारी जिंदा है मरी किधर है? वो देखो हाँ वो यार ये दोस्तों कल पकड़ भी हुई है। क्यों घर से बेची हुई है? किसने किया? घर वाले ने किया। क्या कहती है? कहते हैं ये कलर किसने किया? फिर तुमने क्या बोला? भाई ने किया वो कहते हैं बेवकूफी वाला ये काम है कलर करना। मैंने कहा उन्होंने को ये बेवकूफी वाला काम बताया जो तुमने अंडे फेंके हैं वो खराब थे है तो बेवकूफी ना खराब थे तो हमारे सामने फेंकने थे उधर छत पे फेंक देता। भाई मैंने एक गलती की है। क्या? वो अंडे नीचे फेंक देना तो मैं तुम्हें उस बाल्टी के अंदर पूरा डाल देता सेट हो जाते। जैन की तो जबरदस्ती बेइज्जती हो चुकी है अब मेरी बेइज्जती का वक्त हुआ चाहता है इसलिए जल्दी से घर जाता हूँ पहले बेइज्जती करवाता हूँ फिर ये कपड़े चेंज करता हूँ मुँह हाथ धोता हूँ और फिर नए कपड़े पहन के फ्रेश हो जाता हूँ। तो आज के ब्लॉग यहीं तक था आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे खत्म। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज भाई तुम्हारी भी एक दफा और बेइज्जती होगी मैं तो सारा कुछ तुम्हारे ऊपर फेंकने वाला हूँ।